नशा करना छोड़ देने पर नशा करने वाले मुलव्वस रहने वाले दोस्तों ने नशा छोड़ देने वाले दोस्त पर बेरहमाना अंदाज में हमला कर दिया और उसे जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 18 साला सन सिटी का रहने वाला टैक्सी ड्राइवर इरफान, जो नशे का आदी था, जिसने घर वालों की और दूसरे दानिश्वरों की बातें सुनकर नशा तर्क कर दिया था, उसको नशा करने वाले दोस्तों ने लंगर हाउस से अगवा कर लिया और हिमायत सागर दरगाह के पीछे सुनसान इलाके में ले जाकर उसे रस्सियों से बांधकर खूब पिटाई करती और उसका सेलफोन भी खींच लिया, जिसकी शिकायत राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में कर दी गई है। मजीद तफसीलात मजलूम और उनके भाई ने बताई है। उन लोग मारे मेरे को, ले जाके 12 बजे पकड़े। कौन मारे? इरफान भी बोल कर रहे थे, उन लोग ले के चले गए। दो जने ले गए मेरे को दरगाह के साइड, ले जाके जब जाके देखा तो 15 जने थे। मेरे को ले जाके बन के मार दिया, रस्सी से, बेल्टों से और उससे मुंह से, लातों से, हाथों से मार दे रहे 15 जने। वजह क्या है मारने की? दुश्मनी कर रहे हुए हम लोग, हमारे दुख भी नहीं, उन लोगों के नजदीक भी नहीं जा रहा। कहीं क्या उससे दुश्मनी करे आपसे? वजह क्या है दुश्मनी की? ना कुछ तो बात होंगी ना, जब इतना मतलब जो ना यहाँ से आपको आके जो ना यहाँ पे लेके जाके जो ना मारे। आपका नाम क्या है? आपका मोहम्मद इरफान है। मोहम्मद इरफान, कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, कहाँ काम करते हैं, पढ़ते हैं आप? काम करते। क्या काम करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। तो ये लोग जो आपको लेके जाके मारे, इसकी वजह क्या है मारने की और कब ले गए थे लोग? 1 बजे ले लेके गए, उसके बाद 7 बजे छोड़े मेरे को मार के, 50,000 दो के तब जान दे रहे। हाँ, वजह क्या है इसकी? कुछ तो वहाँ से यहाँ के आपको यहाँ से लेके जा रहे हो लोग? लंगर हाउस से ले लेके गए मेरे को। अच्छा, गाड़ी सर्विसिंग देने जा रहा था। हाँ, मेरे को पकड़ लिया दोस्त को कॉल करके, मेरे को पकड़ लिया उधर। अच्छा, लंगर हाउस को पकड़ लेके ले लेके चले गए, तेरे से काम में बात करना है, ले लेके आके मार दिए। 15 जने थे उधर, इन लोग दो जने बात करने लेके जा रहे थे, जाके मार दिए उन लोग 15 जने। जी हाँ, मेरे छोटे भाई है ना, और इनको कभी भी लेके जाके 2-3 बार, इससे तीसरी बार हो गया, टॉर्चर दे रहे हैं लोग। और जब अभी भी 1 बजे लेके जाके 6 बजे लाके छोड़े इन लोग मार के। अच्छा, और दूसरी बात जो है, मैं मीडिया से और पुलिस वालों से सबसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए इन लोग के लिए। अच्छा। सबसे सब खिलाफ चाहिए इन लोग का, इंसाफ। अच्छा। चाहिए मेरे, क्योंकि घर पर भी आके धमकियाँ दे रहे हैं इन लोग। कभी हम लोग रहते नहीं रहते, लेडीज़ को आके धमकियाँ दे रहे, मार देने की धमकी दे रहे, और केस नहीं करे तो, केस करे तो मार देता हूँ, बल्कि धमकियाँ दे दे रहे घर पे आके। अच्छा, 2-4 दिन में एक बार ऐसी हुआ। अच्छा, इससे पहले भी कुछ हादसा हुआ भैया? इससे पहले भी एक बार हादसा हुआ, और कभी भी कार का नुकसान हो गया, 5-6 लोगों को, मेरे दोस्तों को मार दिए। कभी भी उन लोग बोले कि केस नहीं करता, बल्कि हम लोग डर के नहीं करे। लेकिन उसके बाद दूसरी बार जब हुआ, जब मैं राजेंद्र नगर में ही केस करा, लेकिन उसका कोई एक्शन नहीं लिए, और उन लोग कोई आगे मेरे से नहीं मिले, पुलिस वाले कुछ नहीं हुआ। अभी भी मैं आके FIR कराया, और जो है उषा भवन हॉस्पिटल में मैं आके जो है मेडिकल का पूरा बताया मेरे भाई को। उषा भवन हॉस्पिटल है, और यहाँ पे 2 दिन एडमिट रहा, बल्कि डॉक्टर्स बोले हैं इनका ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे 2 दिन के लिए। मैं इंसाफ चाह रहा हूँ मेरे भाई के लिए। इससे पहले भी जो हमला हुआ था वही लोग करे नहीं, कोई दूसरे लोग थे जो? इससे पहले जो हमला था उसमें भी तकरीबन लोग शामिल है, उसमें कई लोग है। मतलब ये क्या वजह है आपके भाई को लोग मारने की? उनके साथ फिरते थे क्या पहले? गैर जरूरी पहले मिलते थे ना, उसके बाद जो है बंद कर दिए, तो टॉर्चर कर रहे मेरे साथ रहो, आगे 50,000 दो नहीं तो मार देते, और पुलिस स्टेशन गए तो मार देता हूँ, बल्कि धमकी दे रहे। ठीक है।